हेलो गाइस, माय नेम इज गौरव और गौरव पद्या की व्लॉग चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों हम आ चुके हैं झावा में। जी हाँ दोस्तों, झावा में, और झावा में हम इस जगह खड़े हैं। ये जो आपको जो ये ब्रिज दिख रहा है, ये ब्रिज में आपको नाइट में लाइट जो यहाँ पे दिख रही है आपको, ये जैसे दिख रही है ये यहाँ ऊपर ये लाइट जो जलती है, तो इसका लुक अति सुंदर दिखता है। एक बार नाइट में भी यदि हो सकेगा तो यहाँ रुकेंगे, तो हम आपको लाइट का भी सीन दिखाएंगे, यहाँ का व्यू दिखाएंगे आपको। तो दोस्तों हम जिस जगह पर आए, इस जगह का नाम है श्री राम शरणम। तो दोस्तों श्री राम शरणम में क्या है और क्या नहीं है, हम आपको आगे अंदर चलकर बताते हैं। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ब्रिज के जो पास में ये देखिए हरियाली कितना जोरदार है, मनमोहक, मन को मोह लेने वाला, जिसको बोलते हैं मनमोहक। तो दोस्तों जैसे कि यहाँ पर ये इंटर होने का बहुत ही भव्य गेट है, ये दिख रहा है आपको, और ये हमारे दिशांग जी है जो एक गेट खोल के बताएंगे। जी दिशांग जी, गेट खोलिए। तो दोस्तों जैसे ही हम इंटर होते हैं, और यहाँ पे देखिए कितना मस्त है ये सीन, देखिए। तो ये सबरी है जो कि अपने झूठे बेर श्री राम जी को दे रहा है, और यहाँ पे अच्छी वाटिका बनी हुई मस्त, ये दिख रही है आपको। जूम करके थोड़ा बता देता हूँ मैं, ये देखिए ऊपर भी आपको यहाँ पे बेल नजर आएगी। तो दोस्तों देख सकते हो आप यहाँ पर एक छोटी सी कुटिया बनी हुई है, और भी हम आगे चल के आपको बताएंगे कि यहाँ पे और क्या क्या चीज़ें। दोस्तों देख सकते हो आप यहाँ पर बहुत ही बढ़िया ट्री है, ये देखिए, और यहाँ पर प्रसाधन पुरुष, और यहाँ प्रसाधन महिला, और ऊपर रेसिडेंसी है, और ये देखो ये बहुत काँव कर रहा है बीच में। क्यों, क्या बोल रहा है तू, बता हमारे व्यूअर को आप क्या बताना चाहोगे। ये देखो आप चुप्पी हो गई है, हाँ बताइए आप क्या है यहाँ पे, हाँ बताइए। तो दोस्तों देख सकते हो आप, ये सीता माता, और ये हनुमान जी, और ये यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो यहाँ पे। अच्छा मतलब ये यहाँ पे क्या है, मतलब यहाँ पे अंदर कुछ है ही नहीं, मीटिंग होती तब यहाँ से वो बैठक और जो प्रवचन यहाँ बैठ के देते। अच्छा जो महाराज जी, हाँ। अच्छा मतलब यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है कि महाराज जी यहाँ पे बैठते हैं, वो प्रवचन के लिए ऊपर आते हैं, स्टेज बोल सकते हैं इसको, और जितने भी भक्त गण हैं वो यहाँ पर अच्छा दीक्षा देते हैं। बराबर, बहुत एकदम शांत प्रतीत होता है यहाँ पर, बहुत ही मनमोहक, और इतना अच्छा लगता है यदि किसी, हाँ। और ये पार्किंग की भी जगह आप देख सकते हो यहाँ पर। दोस्तों जैसे कि यहाँ पर सामने आप देख सकते हो, यहाँ पर ये किचन है, ये देख सकते हो किचन का, और यहाँ पर जब भी कथा होती है तो यहाँ पर भीड़ लगी रहती है। और यहाँ पर मंदिर किधर है मासा जी, मंदिर तो अंदर ही है, वो मंदिर नहीं है, स्थान रहता वो का फोटो नहीं। अच्छा मंदिर का फोटो अभी नहीं ले सकते। अच्छा यहाँ पर जैसे दर्शन करने के लिए आते हैं तो समय क्या रहता है, किसी को आना हो तो? नहीं, शाम को 7 से 8 शाम को 7 बजे से 8:15 बजे तक, और दिन में? दिन में दर्शन, अंदर दर्शन नहीं होते, अंदर दर्शन नहीं होंगे, ठीक है। उसको हॉल को थोड़ा वो रखा हमने, अच्छा प्राइवेसी रखा है, ठीक है। मतलब यदि किसी को भी यहाँ पे दर्शन करना हो तो शाम को 7:15 बजे से 8 बजे तक, 8 बजे तक आ सकता है, दर्शन कर सकता है। किसका मंदिर, अंदर मंदिर नहीं है, मतलब महाराज जी का अधिष्ठान दिया, ध्यान करने के लिए, ठीक है, ध्यान केंद्र अंदर मतलब। अच्छा अच्छा, ये क्या सामने, ये क्या चीज है सामने, ये चाकर, ये हमारे चाकर मतलब क्या होता है, स्पेशल नाम दिया है इसके का, ये सिर्फ फॉरेन के जो आते हैं ना, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से आते, फिजी से आते हैं, उनको यहाँ ठहराते हैं हम। अच्छा हाँ। तो ऐसे ये चाकर ऐसी है वो, तो ये कितने चाकर है यहाँ पर, बस एक ही है, तो एक दो तीन दिन तो 4 रोज को ज्यादा परमिशन देते भी नहीं। अच्छा मतलब एक फैमिली आ सकती है, 2-3 फैमिली तो प्रॉब्लम हो जाए, तो दो तीन फैमिली थोड़ी यहाँ भजन में आते हैं उन्हीं के लिए, हाँ पिकनिक स्पॉट, हाँ पिकनिक स्पॉट तो नहीं, लेकिन जो फॉरेन से ये ध्यान आते हैं, हाँ बड़ा मतलब वो ध्यान भजन कीर्तन के लिए जो आते हैं, यहाँ सत्संग लगता है, हाँ, हाँ, जनवरी में, हाँ, 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 और मई में होता है, हाँ, दो कार्यक्रम होते हैं उसमें आते हैं बाहर से, हाँ, तो उस समय उनको ठहरने की व्यवस्था यहाँ करते हैं। मतलब ये है कि यहाँ पर ध्यान यदि करने के लिए आना हो तो ध्यान करने के लिए आ सकते हैं, हाँ उनके लिए ठहरने की व्यवस्था ऊपर पूरे 5 मंजिल बना हुआ है। अच्छा सब ये उनके लिए, मतलब हाँ, फॉरेन वालों के लिए? नहीं, ये अपने यहाँ के लोकल, अपने यहाँ के लोकल के, और ये जो कोई फॉरेन आता वो उनके सब ही आए, वो फॉरेन के लिमिटेड लोग ही आते हैं। बराबर बराबर, तो आते होंगे फॉरेन के, आते हैं तभी तो बनाना पड़ा, नहीं तो क्या उनके लिए। अच्छा ऊपर वहाँ पे एसी होगा, ऊपर है ना, एसी है सब में, 3-4 कमरे एसी है।
पर वो अपने यहाँ दिल्ली के बॉम्बे से, ग्वालियर से, जयपुर से, ये चंडीगढ़ से, जम्मू तवी से, सभी जगह के यहाँ पर आते हैं, मतलब पूरे इंडिया के लोग इंडिया आते हैं। तो इसकी स्थापना कब से हुई माता जी? इसका स्थापना 2006 में हुई। 2006 में नहीं, ऐसे तो हम 50 साल से पहले, मैं दीक्षित हूँ 50 साल से पहले से यहाँ चल रहा है। अच्छा, पर ये इस्टेब्लिश हमारे आने के बाद में हमने 2006 में किया ये। अच्छा, 2006 में मतलब इसका कंप्लीट जो ये भवन वगैरह, भवन सब 2000 कंप्लीट हुआ। तेरह महीने में बन गया था हमारा ये, 13 महीने में। हाँ, तब 13 महीने में 5 मंजिल हमने बनाया था 13 महीने में। और उस समय 1,26,00,000 में खर्च हुए थे। अच्छा, और सभी 1,26,00,000 सिर्फ साधकों से लिया, किसी नेता का पैसा नहीं, किसी में सरकारी ऑफिसर का पैसा नहीं, मतलब जितने भी जो साधक दीक्षा लिए उनका ही पैसा है। अच्छा, मतलब ऐसा लगता है जैसे शांत है तो वहाँ करोड़ों जाप हो चुके हैं यहाँ पर। ये जो हॉल है इसमें नवरात्रि में 9 दिन तक 24 घंटे अखंड जाप चलता है 9 दिन तक। इसमें कितने लोग अंदर आ सकते हैं एक बार में? एक बार में 500-400 रुपए, 400-200 अंदर की क्षमता हॉल की 400, फिर इधर के पैसे जो है इधर बैठ के यहाँ जो प्रोग्राम होता तब 2,500-3,000 लोग आते हैं। मतलब उसकी पार्किंग की व्यवस्था भी हो जाती है? पार्किंग नहीं, जब सब इतना बड़ा कार्यक्रम होता है पार्किंग बाहर कराते हैं ये सब बैठने के लिए। अभी किसी को जैसे यहाँ पर आना तो इसका एड्रेस क्या डाल बोले, एड्रेस क्या बताना चाहिए? रामशरणम कॉलेज रोड, श्री राम शरणम झाबा कॉलेज रोड। बराबर, मतलब बस स्टैंड से पास में पड़ता होगा? बस स्टैंड से पास, 1.5-1.75 किलोमीटर। माता जी आपका पूरा नाम बताओ ना, मेरी चैनल पे डालूंगा जिससे लोगों को पता चले कि क्या क्या है। मेरा नाम क्यों, यहाँ के जो खास उनका ही नाम? हाँ, बोल दो ना। आनंद विजय सिंह। यहाँ मतलब कोई आना चाहते हो ना किससे मिलना चाहिए यहाँ पे? यहाँ तो फिर बैठ से मिलना, आपसे ही मिलना पड़ेगा। मैं कौन करता था जैसे आनंद विजय सिंह सकता होते। अच्छा, वो है, बराबर है। यहाँ का एरिया कितना है हमने कवर किया है? इधर बांसवाड़ा था और इधर कवर, मतलब कैसे वहाँ के लोगों को यहाँ आते ही हूँ। अच्छा, हाँ, मतलब तो इधर बांसवाड़ा से लगा के, बांसवाड़ा से इधर थानला, देवबर्ड, पेटलाव, धार से आगे नागदा, राजगढ़, ये सब यहाँ आते हैं। इधर से इधर बड़वानी, तो इधर देवबर्ड, अलीराजपुर जाते हैं? अलीराजपुर के लिए आते, देवबर्ड के आते हैं, देवबर्ड, बाघ, डांडा, बोरी, राणापुर। अच्छा, यहाँ पे मतलब ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, लाइट वगैरह सब होती है यहाँ पे? सभी लाइट है ना, वो बाहर तो लाइट है, यहाँ भी लाइट है। नहीं, ये बोल रहे ना कि नाइट में इसका सीन बहुत ही बढ़िया है। ये राइट पूरी राइट चलती, कम से कम 22 लाइट है, 22 ये सब चलते हैं। मतलब रात में यहाँ पे सीन बहुत ही बढ़िया रहता है, रात बहुत बढ़िया रहता। और ये बाहर ये नगर पालिका लगा है रोड पर अभी। अच्छा, ये नगर पालिका की तरफ? बाहर की तरफ, ये सब नगर पालिका। तो दोस्तों, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए मेरी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। तो बने रहे मेरे वीडियो के साथ आगे भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए। बाय बाय।